वही हल्द्वानी में 9 दिन से लापता फौजी की पत्नी का शव पेड़ से लटका मिला। लापता होने के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बुरी तरह से सड़ी हालत में मिले शव की पहचान परिजनों ने कपड़ों से की। हरिपुर नायक मुखानी निवासी ललित फौज से सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त के उनके दो बेटे भी फौज में हैं और यहाँ 45 वर्षीय पत्नी तारा देवी के साथ रहते थे। बताया गया है कि बीती 26 मार्च को तारा अचानक से लापता हो गई। उनका मोबाइल घर में ही था। 30 मार्च को मुखानी पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर मृतक महिला के परिजनों को बुलाया। महिला के परिजन ने बताया कि महिला तारा मानसिक तौर पर बीमार थी और पिछले 5 साल से उसका एम्स में इलाज चल रहा था। मुखानी थाना अध्यक्ष पंकज जोशी ने बताया कि शिनाख्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोगांजा में सीएनजी क्रिकेट अरेना है। ग्राउंड के पीछे एक बेल का पेड़ है, सुनसान सी जगह है। इस पर एक महिला लटकी भी पाई गई थी। बच्चे जो खेल रहे हैं वो बॉल गई होगी तो उन्होंने तब बॉडी को देखा। पुलिस को सूचना मिली और थाने की टीम भी आई है और मैंने भी अभी विजिट किया है घटनास्थल। तो बॉडी कम से कम 7-8 दिन पुरानी लग गई है और जैसे कि थाना अध्यक्ष ने बताया कि 26 तारीख को एक गुमशुदगी दर्ज थी एक महिला की, तो उस आधार पर उसके पति को बुलाया गया तो ये शिनाख्त हो चुकी है। नाम कुछ? हाँ, तारा देवी नाम है इसका। 47 ईयर्स ओल्ड है। कितने दिन? 26 तारीख से आज ये 9वां दिन है। वो सब मैच कर रहा है कि ये उसी की बॉडी। लगता है कि सुसाइड किया होगा। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर होगा।